हेलो इन्वेस्टर, गुड न्यूज़ फॉर इंडियन ईवी सेगमेंट। मारुति भी अपनी कार एक लाने वाली ईवी विद द पार्टनरशिप विद टोयोटा। तो यहाँ पे मारुति एक डिफरेंट ईवी कार इंट्रोड्यूस करने वाली है। ये खुद से चार्ज होने वाली गाड़ी रहेगी, मतलब इंटरनल कम्बस्टन इंजन के साथ साथ ये गाड़ी के जो व्हील्स का जो मोशन से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएगी। तो ये कंसेप्ट पे अभी कोई भी गाड़ी चल रही नहीं है। तो मारुति इज़ प्लानिंग टू गेट इन टू दैट मोड, लाइक सेल्फ हाइब्रिड, सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार्स। उसमें मारुति मारुति विद टोयोटा पार्टनरशिप के साथ लॉन्च करने वाली है। एंड बाय दी ईयर 2025 वहाँ पे मारुति की भी एंट्री हो जाएगी इंडिया में इन दी ईवी सेगमेंट। एंड इनका ये मेन रीज़न है ये सेगमेंट में आने का, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इंडिया में चार्जिंग फैसिलिटी इतनी अच्छे से डेवलप हो नहीं पा रही है, एंड अभी तक हुई नहीं है। उसकी वजह से दे हैव टू डू यहाँ पे सेल्फ चार्जिंग कार्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इंडिया में भी ईवी का मेन प्रॉब्लम है कि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी हम देखेंगे जी, जो सबसे ज़्यादा ईवी जो बिक रही है टाटा नेक्सॉन ईवी, वो भी अराउंड 14 लाख के आसपास जा रही है। तो मारुति का मेन टारगेट है कि 10 लाख के नीचे की वैल्यू में ईवी कार लाना है इंडियन मार्केट में। ऑलरेडी महिंद्रा ने भी यही चैलेंज लिया है कि 10 लाख के अंदर वो गाड़ी निकालेंगे, बट ड्यू टू सेमीकंडक्टर का इशू की वजह से सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सप्लाई एंड डिमांड मैच नहीं हो पा रहा है। तो लेट्स सी कि मारुति इस अपने मकसद में कामयाब हो जाती है कि नहीं। ऑलरेडी मारुति के पास काफ़ी बड़ा मार्केट सेगमेंट है इंडिया का, एंड दे आर गुड लीडर्स इन जापान एंड यूरोपियन कंट्री ऑल्सो। तो मारुति अगर ईवी में आ जाती है तो एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर वो ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी 2025 तक क्या सीन रहता है। थैंक यू वेरी मच।